गुड आफ्टरनून एवरीवन। चले तो कल हम पढ़ रहे थे रिलेशन ऑफ मोल एंड वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम के साथ हमने कैलकुलेट किया था तो एसटीपी की कंडीशन क्या होगी, यूनिट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर, वो हमने लिख लिया था। आर की वैल्यू भी लिख ली थी आपने। आर एंड टी वो वैल्यूज हमने लिखी थी ना वहां तक, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। आर की वैल्यू हमने कौन सी लिखी थी, आर की वैल्यू हमने लिखी थी 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल इनटू केल्विन, ये लिखा था, ये तो लिखा था ना। सो दिस वैल्यू को देखिए, कैलकुलेशन करते टाइम ये जो वैल्यू है, नो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस टीपीपी इन दिस लेक्चर, वी विल डिस्कस इट लेटर, मे बी इन दिस लेक्चर और टुमारो, बट फर्स्ट वी विल फिनिश दिस व्हाट वी वर स्टडिंग यस्टरडे। सो दिस वैल्यू ऑफ आर इज 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल इनटू केल्विन। दिस शुड बी ऑल्सो इक्वल टू रिटेन एज 1/12 लीटर एटीएम पर मोल इनटू केल्विन। सो नोट डाउन दिस, ये वैल्यू हमने कल लिखी थी आर की वैल्यू, उसी वैल्यू में आप इसको 1/12 भी लिख लीजिए। हाँ, कल यूनिट ऑफ वॉल्यूम तक हो गया था ना कल की क्लास में, उसके आगे आर की वैल्यू कल की क्लास में मैंने लिखवा दिया था, इसी आर की वैल्यू को मैं बोल रहा हूँ। अब आप 1/12 जहाँ पे आपने ये आर की वैल्यू नोट की थी वहां पे 1/12 भी लिख लीजिए, या अलग से लिखना है तो अलग से हेडिंग डाल के लिख लो आर, गैस कॉन्स्टेंट। आर क्या था हमारा, गैस कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। तो कैलकुलेशन करते टाइम आप 1/12 का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। आप अगर 0.0821 रख रहे हैं तो कैलकुलेशन उससे लंबी होंगी, तो बेटर है कि 1/12 यूज किया जाए। सिमिलर वे में आर की एक दूसरी वैल्यू भी होगी जो दूसरी यूनिट में आती है, वो आती है 8.314 और वो आती है जूल पर मोल इंटू कैलविन, जूल पर मोल इंटू कैलविन। ऊपर वाली यूनिट, ऊपर वाली जो वैल्यू है उसका यूनिट क्या है, लीटर एटीएम, और यहाँ जूल में आता है, इसको आप 25/3 लिखते हैं, 25/3 जूल पर मोल इनटू केल्विन, डिवाइड कर लो वही वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको 25/3 या 1/12 ऊपर वाली को आप रखेंगे तो कैलकुलेशन उससे थोड़ी इजी होंगी। देन आर इज अप्रोक्सीमेटली, अगर दूसरी यूनिट निकाले तो कितना आ जाएगा, 2 कैलोरी जूल की जगह पर मोल इनटू केल्विन, तो एक कैलोरी में आ जाएगा आर की वैल्यू। तो आर की तीन वैल्यूज हैं, ये जूल पर मोल इनटू केल्विन, या आप रख रहे हैं 8.314 जूल पर मोल इनटू केल्विन, और ऊपर वाली लीटर इनटू एटीएम। सुनिए, स्टडी क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट यूनिट ऑफ वॉल्यूम, देन यूनिट ऑफ प्रेशर एंड यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर में रिलेशन भी पढ़ लिया था हमने, फॉरेनहाइट का, डिग्री सेल्सियस का, है ना, वहां तक कवर हो गया था। चलो ये नोट कर लिया, आगे चले। सुनाओ, नोट करिए, नोट कर लीजिए, ये कैलोरी है, ये KLCL जो लिखा है दिस इज कैलोरी, नहीं समझ में आ रहा तो पूरा लिख लो, 2 कैलोरी। नोटेड, चलिए। सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स का जो हमने फॉर्मूला जैसे पढ़ा है, सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। पहली बात तो ये गैस के लिए लगता है, आइडियल गैस जो हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं वो गैस के लिए लगेगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, नहीं अभी लास्ट स्लाइड नहीं आएगी, पहले बताया करिए, नहीं नोट कर पाए तो अभी वो छोड़ दीजिए थोड़ा सा स्पेस जिसका छूटा है,
आगे नोट करो, वो बाद में कर लेना। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट एसटीपी, और एनटीपी भी हम बोल देते हैं, एसटीपी या एनटीपी पे दोनों की कंडीशन सेम ही होती है, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इन लीटर, याद रहे ये लीटर में है, ऊपर भी रुके यहां लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इन लीटर एट एसटीपी, एसटीपी या फिर एनटीपी। एनटीपी या एसटीपी पे कोई गैस का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है लीटर में, डिवाइडेड बाय अगर आप 22.4 कर देंगे तो क्या देगा, देगा आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैलकुलेट करेंगे। एसटीपी कल मैंने आपको बताया था, हाँ ठीक है, क्वेश्चन डीपीपी में अगर रिलेटेड था गैस से तो अभी वे पढ़ लीजिए फिर करिएगा। एसटीपी की कंडीशन बताई थी आपको, एनटीपी की कंडीशन भी सेम होती है। एसटीपी हमने क्या पढ़ा था कल की क्लास में, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी होता है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होती है एसटीपी की कंडीशन, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम या 1 bar, कल लिखवाया था 1 bar भी आप या 1 एटीएम रख सकते हैं, न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 एटीएम रखते हैं, लेकिन कई बुक्स में आपको वो 1 एटीएम में ही मिलेगा, तो 1 एटीएम या 1 bar समझ लो, वो दोनों ही कंडीशन सेम है एसटीपी या एनटीपी की। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है चलिए, तो अब क्वेश्चंस करते हैं, ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ ही लिया है। तो पहले नॉर्मल क्वेश्चन लिखते हैं फिर फॉर्मूला बेस करेंगे। तो क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस विच इज प्रेजेंट एट 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम प्रेशर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस विच इज प्रेजेंट एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम प्रेशर, ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई वी लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमने वी लीटर ले लिया है, वी लीटर हमने वॉल्यूम ले लिया, तो हमें ये निकालना है कि कितने मोल्स होंगे गैस के, यानी वी के टर्म्स में आएगा वी लीटर ऑफ वॉल्यूम, मोल्स जो आएंगे वी के टर्म्स में आएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा सब लोग। तो देखिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो इक्वेशन है ये किसके लिए लगेगी, हमेशा गैस के लिए। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज एप्लीकेबल फॉर ऑनली गैस, पता चला सॉलिड और लिक्विड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो गैस के लिए एप्लीकेबल होगी और ये गैस हमारे पास दे रखी है O2। अब इसमें हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी, हमको प्रेशर इंफॉर्मेशन दिया है 1 एटीएम, हमको वॉल्यूम दे रखा है वी लीटर, हमको टेम्परेचर, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखा जाता है 273 केल्विन, प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम लीटर में, टेम्परेचर केल्विन में, आर की वैल्यू आपको पता है कितना आता है 1/12, तो आर की वैल्यू 1/12 रखी जाएगी। बस हाथ में यूनिट तो रहेगा ही, 1/12 लीटर एटीएम पर मोल इनटू केल्विन, आपको कैलकुलेट क्या करना है एन, तो इसे इक्वेशन में रख दीजिए गैस स्टेट के इक्वेशन में, यहां से देखिए कितना आ रहा है। अच्छा ऊपर का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, क्या ऊपर का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स सीधा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इन लीटर, तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है वी लीटर, तो फॉर्मूला अगर ऊपर वाला लगाएंगे तो वो रख देंगे वी डिवाइडेड बाय 22.4, तो आंसर हो जाना चाहिए वी डिवाइडेड बाय 22.4।
क्या बोला है? मैंने सुनाई दिया सबको, मैंने बोला ये ऊपर का फॉर्मूला अगर लगाए, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ही निकालना है, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ये लगा के हम ऊपर वाले फॉर्मूले से अगर निकाले तो वॉल्यूम रखा जाएगा वी, क्योंकि वी दिया है क्वेश्चन में, और ये नीचे 22.4, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा वी बाई 22.4। क्या ये हम अप्लाई कर सकते हैं, वहां से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं वी डिवाइडेड बाई 22.4? अप्लाई कर सकते हैं? नहीं अप्लाई कर सकते। तो ऊपर का फॉर्मूला हम इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, दिस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इन लीटर, क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट के सामने, एट एसटीपी और एनटीपी। याद रहे ये फॉर्मूला तब लगेगा नंबर ऑफ मोल्स के लिए जब ये वॉल्यूम जो गैस ऑक्यूपाई कर रही है एसटीपी एनटीपी पे दिया हो, और एसटीपी एनटीपी की कंडीशन क्या पड़ी थी कल, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम, और हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, प्रेशर तो 1 एटीएम है लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, तो ये एसटीपी एनटीपी की कंडीशन नहीं है, और अगर एसटीपी एनटीपी की कंडीशन नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप। ये फॉर्मूला वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस तभी लगेगा नंबर ऑफ मोल्स के लिए जब ये वॉल्यूम एसटीपी या एनटीपी पे ऑक्यूपाइड हो। समझ में आया, डिफरेंस समझ में आया? तो यहां निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे और उसके से हम वहां से आंसर निकालेंगे। तो क्या आया आंसर, आंसर क्या आया यहाँ से, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाइए, रखिए प्रेशर, प्रेशर आपका 1 एटीएम, वॉल्यूम है वी लीटर, यूनिट के साथ, व्हाट शुड बी द टेम्परेचर एट एनटीपी। अरे कल एसटीपी पढ़ाया था ना टेम्परेचर, एसटीपी एनटीपी बता तो रहा हूँ बार बार, एसटीपी एनटीपी सेम होगा ना, कल लिखवाया नहीं था क्या? नहीं लिखवाया तो बताओ, लिखवा दो अभी, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम प्रेशर, एसटीपी की कंडीशन, एनटीपी की कंडीशन। हाँ तो केल्विन में 273 केल्विन हो जाएगा। चलिए तो इक्वेशन यहाँ पे रख रहे हैं, देखिए ध्यान से, प्रेशर कितना रखा जाएगा, 1 एटीएम, मैं यूनिट के साथ रख रहा हूँ, आप यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो देख रहे होंगे, वॉल्यूम मैंने रखा वी लीटर, एन मुझे कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू 1/12 रख दी, यूनिट रखिए लीटर एटीएम। ध्यान रहे जब भी प्रेशर और वॉल्यूम लीटर एटीएम में दिया है, जब भी प्रेशर वॉल्यूम एंड लीटर में दिया है तो आर की वैल्यू लीटर एटीएम वाली ही रखनी है, मोल इंटू केल्विन, और फिर टेम्परेचर कितना होगा, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। ध्यान से सब लोग सुन लो, नहीं फिर बाद में गलत होगा सबका, मैं बता रहा हूं अभी, यूनिट के साथ गलती कर दोगे। मैं बोल रहा हूं आर की ये वैल्यू क्यों रखी जाएगी, 0.0821, आर की 3 वैल्यू पढ़ाई है, ये वैल्यू रखनी है, 8.314 नहीं रखनी है या 2 नहीं रखनी है, क्यों नहीं रखनी है, बिकॉज जब प्रेशर एटीएम में और वॉल्यूम लीटर में हो तो ये वाली वैल्यू रखते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट में भी लीटर और एटीएम है, ये लीटर एटीएम यहीं से आता है, यूनिट एंड डायमेंशन आप पढ़ रहे होंगे फिजिक्स में, वहां से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यूनिट दोनों साइड सेम होनी चाहिए, तो प्रेशर एटीएम में रखा है, वॉल्यूम लीटर में रखा है अगर, तो इधर भी 1/12 वाली वैल्यू रखी जाएगी, तो ये लीटर इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये एटीएम इसको कैंसिल आउट कर देगा, केल्विन इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास एन जो बचेगा ये इधर हो जाएगा वी इंटू 12 डिवाइडेड बाय 300, और मोल इधर चला जाएगा, तो एन की वैल्यू आ गई 12 वी डिवाइडेड बाय 300, इतने मोल। अब इसको डिवाइड करना तो डिवाइड कर लो, अगर 3 से डिवाइड कर दे 4, ये 100, 4/100, और 4/100 का मतलब कितना हो गया, 25, तो एन की वैल्यू आ गई वी अपॉन 25 मोल, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया। समझ में आया,
चलो हो गया, आगे चले। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नोट नहीं कर पाए पार्थ, चलिए नोट करिए जल्दी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम गैस विच ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर वॉल्यूम। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ हीलियम गैस विच ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर वॉल्यूम। इट ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम प्रेशर। सॉल्व करिए। तो देखिए अभी, चलिए अभी मैं बता रहा हूँ, फिर आप करिएगा, क्वेश्चन दूंगा। सो फर्स्ट मेथड, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। प्रेशर कितना आपको दिया है? 1 एटीएम। वॉल्यूम आपको दिया है कितना? 5.6 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, आर की वैल्यू 1/12, लीटर एटीएम यूनिट, यूनिट रखना है। यूनिट रख के मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए कि आर की कौन सी वैल्यू रखी जा रही है। एंड टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। टेम्परेचर याद रहे हमेशा केल्विन में रखा जाता है इस इक्वेशन में। तो केल्विन से केल्विन गया, लीटर से लीटर गया, एटीएम से एटीएम गया। सो एन की वैल्यू आ गई 5.6 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 273। 5.6 डिवाइडेड इंटू 12 डिवाइडेड बाय 273 केल्विन। यहां से एन निकालिए, एन कितना आ रहा है? 1/4.25। ठीक है, तो n की वैल्यू यहां पे सॉल्व करने पे आ रही है 0.25। ये फर्स्ट मेथड से। सेकंड मेथड मैं यहां पे लिख रहा हूं, सेकंड मेथड क्यों लगा रहे हैं? अब मैं फॉर्मूला सीधा लगा दे रहा हूं, जो फॉर्मूला पढ़ा था। या तो आप PV इज इक्वल टू nRT लगा लीजिए। फॉर्मूला फॉर्मूला तभी लगेगा जब STP की कंडीशन हो। अब क्वेश्चन में ये दिया है 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम प्रेशर, मतलब ये क्या है? STP। 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम प्रेशर एसटीपी की कंडीशन दी है, तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? फॉर्मूला हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, इन लीटर जो कि एसटीपी पे ऑक्यूपाई करता है, डिवाइडेड बाय 22.4। तो सीधा सीधा यहाँ पर रख देंगे, इट ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, और ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 विच विल बी इक्वल टू 0.25। तो जब STP की कंडीशन होगी तभी आप ये सेकंड मेथड लगाएंगे, अदरवाइज हमेशा फर्स्ट मेथड लगा के आंसर निकालेंगे। लेकिन अगर STP दिया है तो सीधा ये लाइन लिखिए और आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। समझ में आया क्या दोनों में डिफरेंस? आंसर दोनों से सेम आएगा, पहली थोड़ी लेंथी प्रोसेस है तो सेकंड, लेकिन सेकंड मेथड हम तभी लगाएंगे जब STP की कंडीशन दी है, तभी फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल होगा। वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, दिस इज एप्लीकेबल एट एसटीपी और एनटीपी की conditions पे। नोट करिए। ओके नोटेड। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आंसर फिर सबका आना चाहिए। अगर सबको समझ में आ गया है तो सबका आंसर ही आना चाहिए। नेक्स्ट, कैलकुलेट हाउ मच वॉल्यूम, क्वेश्चन लिखिए कैलकुलेट हाउ मच वॉल्यूम
कैलकुलेट हाउ मच वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाइड, हाउ मच वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाइड बाय टू मोल CO2 गैस एट STP। कैलकुलेट हाउ मच वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाइड बाय टू मोल CO2 गैस एट STP। फोर्टी फोर पॉइंट एट तो सीधा सीधा एसटीपी की कंडीशन दी है, फॉर्मूला लगाना है। एक लाइन का नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस वो भी किसमें, लीटर में आएगा, डिवाइडेड बाय 22.4। नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया है 2 मोल्स, तो फॉर्मूले में रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4। 22.4 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी इक्वल टू 22.4 इंटू टू, 44.8 लीटर। ये आंसर। तो एसटीपी पे 2 मोल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, यहां से सीधा निकल गया। अब इसमें आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी भी लगा सकते थे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे तो वहां से भी हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इस बार मोल्स दिया, वॉल्यूम निकालना है। समझ गया सब लोग, वेरी गुड। चलिए सो नेक्स्ट वन ये रफ करता हूं। कैलकुलेट हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, कैलकुलेट हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 आर प्रेजेंट, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 आर प्रेजेंट इन 5.6 लीटर, इन 5.6 लीटर ऑफ O2 एट 1 ATM एंड 273 केल्विन। ये आंसर बताइए। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 आर प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट 1 ATM एंड 273 केल्विन। 1 ATM 273 केल्विन मतलब क्या हो गया, एसटीपी की कंडीशन यहाँ पे आपको दे रखी है, एसटीपी या एनटीपी की कंडीशन आप मान लीजिए। अब इस केस में कितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करने वाला है, पॉइंट टू फाइव NA। दो आंसर तो आ गया, चलिए। तो अब नंबर ऑफ मोल्स, पहले नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस यानी वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर
एट एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ये तभी लगेगा जब एनटीपी एसटीपी की कंडीशन हो। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है, 5.6 लीटर, फॉर्मूले में रखा 22.4 लीटर। यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे गैस के, गैस के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ टू इज इक्वल टू 1/4, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ टू आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ टू इज इक्वल टू 1/4। अब ये अगर नंबर ऑफ मोल्स इतना है, ओ टू के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 1/4 है। अब आगे मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए दूसरा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो दो दो फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, एक वॉल्यूम का रिलेशन, एक नंबर ऑफ एंटिटीज का। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एन ए, ये भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है, नंबर ऑफ एंटिटीज कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एन ए। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 1/4 है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं डिवाइडेड बाय एन ए। सो एन ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू एन ए बाई 4। ये आंसर, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओ टू है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओ टू ऑक्सीजन गैस के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए 0.5 एन ए, एन ए बाई 4। ठीक है, तो देखिए ये तो आप रिलेशन समझ में आया, आपके पास एक नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन वॉल्यूम में है, एस आइडल फॉर्मूला एंड एसटीपी कंडीशन। एसटीपी कंडीशन ये है, लिखिए, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बात सुन लीजिए, अभी लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एसटीपी के कंडीशन का मतलब होता है प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स होना। कल की क्लास में बताया था कि प्रेशर 1 atm है या 1 bar, हमने रखा था जनरल जो नई डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग 1 bar रखते हैं। तो प्रेशर 1 atm या 1 bar फिक्स है एंड टेम्परेचर 273 केल्विन, अगर ये दोनों फिक्स है तो उस कंडीशन को हम एसटीपी बोलते हैं। ठीक है, तो एसटीपी है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर एसटीपी कंडीशन ना होती, मान लो ये क्वेश्चन पूछता कि प्रेशर 5 atm है, तो 5 atm अगर दिया होता तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है एट एसटीपी। फॉर्मूले में भी लिखा हुआ है कि दिस वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी और एनटीपी। तो अगर 5 atm पे पूछता कि मोल्स कितने हैं, तब आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाते, तब आपको वहां से मोल्स निकालना पड़ता और वहां पे प्रेशर जो होता वो 5 atm रखा जाता। तो अगर इसको छोड़ के, 1 atm को छोड़ के, 2 atm, 3 atm, 4 atm, 5 atm कुछ भी प्रेशर दिया है या कुछ और टेम्परेचर दिया है, तो वो हमारी अलग कंडीशन है, वहां पे आपको पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाना है फॉर्मूला। लेकिन अगर ये 1 atm 273 केल्विन दिया, मतलब एसटीपी या एनटीपी की कंडीशन, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा जो रिलेशन हमने पढ़ा है, अब इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, मोल ट्रायंगल। इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, मोल ट्रायंगल। तो बेसिकली मोल ट्रायंगल पे पहुंच गए हम, जहां पे हम मोल को डिफाइन कर सकते हैं। और मोल को किस फॉर्म में डिफाइन करेंगे, मोल ट्रायंगल को हम डिफाइन करते हैं, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर ये मेरा मोल है, तो मोल का रिलेशन हमने 3 चीजों के साथ पढ़ लिया, जिसको हम मोल ट्रायंगल बोल रहे हैं। ये ट्रायंगल बना रहा है, किस किस इसके साथ रिलेशन पढ़ा है हमने, एक रिलेशन हमने पहले मास के साथ पढ़ा था, मोल का रिलेशन मास के साथ, फॉर्मूला उसका पढ़ा है। फिर एक हमने नंबर ऑफ एंटिटीज के साथ पढ़ा था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एंटिटीज लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एंटिटीज। और फिर अभी हमने एक मोल का फॉर्मूला पढ़ लिया है वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस के साथ। तो इस चीज को हम बोलते हैं मोल ट्रायंगल। जैसे मोल से मास में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला में क्या लगाते हैं, अगर मान लो इस डायरेक्शन में जाना है ऐसे, मतलब आपको मोल्स पता है, मास निकालना है या मास से मोल्स निकालना है, फॉर्मूला क्या पढ़ा था, देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हम क्या लिखते थे, गिवन मास डिवाइडेड बाय GMM, यही लिखते थे, गिवन मास डिवाइडेड बाय GMM या GAM, दोनों ही लिख सकते हैं। तो मास से मोल का रिलेशन, तो अगर आपको मोल पता है और मास निकालना है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मोल पता है मास निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क, तो मोल इंटू GMM, नंबर ऑफ मोल्स इंटू GMM, वहां से आपका गिवन मास आ जाएगा। तो
तो दोनों ही रिलेशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मास से मोल का रिलेशन या नंबर ऑफ एंटिटीज का रिलेशन, हाँ ये सारे के सारे रिलेशन एक ही क्वेश्चन में आ सकते हैं, वही हम पढ़ रहे हैं अब। क्या तीनों ही रिलेशन को उठा के एक ही क्वेश्चन में पूछा जा सकता है? किसी गैस के लिए वॉल्यूम ऑफ गैस से रिलेट करके क्वेश्चन आपका मोल से लेके मास से लेके नंबर ऑफ एंटिटीज कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पहले इतना नोट कर लीजिए ये रिलेशन। नोटेड, अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैसेस नंबर ऑफ एंटिटीज में आप लिख सकते हैं, लाइक 1 मोल इज इक्वल टू एनए एंटिटीज। 1 मोल में एनए एंटिटीज होती है, ये रिलेशन 1 मोल में एनए एंटिटीज। एंटिटीज कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल मोल्स मतलब पार्टिकल मॉलिक्यूल्स एटम आयंस। वैसे मोल्स की अगर बात करें, 1 मोल में वॉल्यूम कितना होता है, क्योंकि वॉल्यूम का रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो 1 मोल में गैस ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर ऑफ गैस। 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर ऑफ गैस। और मास के साथ अगर रिलेशन की बात करें तो 1 मोल इक्वल होता है किसके, जी ए एम के, ग्राम एटॉमिक मास। 1 मोल के मास को ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, या फिर 1 मोल विल बी इक्वल टू जी एम एम। तो मास के साथ रिलेशन देखें तो 1 मोल का मास ही को ही हम जी एम एम या 1 मोल के मास को ही जी ए एम बोलते हैं। ये ए लिखा है, जी ए एम, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ एंटिटीज के साथ ये रिलेशन आता है, और नंबर ऑफ मोल्स के साथ वॉल्यूम के साथ 1 मोल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर ऑफ गैस। डन, तो हमने चैप्टर और मोल्स का रिलेशन ही यहीं से स्टार्ट किया था। सबसे पहले नंबर ऑफ एंटिटीज वाला रिलेशन पढ़ा था, देन मास का रिलेशन पढ़ा था जीएमएम जीएमएम का, और फिर ये वॉल्यूम ऑफ गैसेस का अभी खत्म किया है। इन तीनों ही फॉर्मूलों को अब हम कंबाइन करके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ जाइए तीनों का कॉम्बिनेशन, तो आपकी डीपीपी के अब जो भी क्वेश्चन है वो सारे हो जाएंगे, जो अगर अभी तक नहीं हुए आपसे। चलिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन लिखो। इफ इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओ टू, इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओ टू, इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओ टू इज सेम एज दैट नंबर ऑफ एटम्स इन 9.6 ग्राम ऑफ ओ थ्री, इन 9.6 ग्राम ऑफ ओ थ्री, देन देन कैलकुलेट देन कैलकुलेट फर्स्ट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ओ टू, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ओ टू, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ओ टू एट एसटीपी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ओ टू, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ओ टू एट 4 ATM, एट 4 ATM एंड 27 डिग्री सेल्सियस, 4 ATM एंड 27 डिग्री सेल्सियस। थर्ड, मास ऑफ ओ टू एट एसटीपी, मास ऑफ ओ टू एट एस टी पी। फोर्थ, फोर्थ पॉइंट, मास ऑफ ओ टू एट 4 ATM, मास ऑफ ओ टू एट 4 ATM एंड 273
या 27 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस लिख लीजिए, 4 ATM एंड 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन। ये चार क्वेश्चन है आपके पास, ये हमें करने हैं। पहले क्वेश्चन की पहले नोट कर लीजिए सब लोग, देन करते हैं। विल दिस क्वेश्चन कम फॉर 6 और 7 मार्क्स? 6 और 7 मार्क्स मतलब थ्योरेटिकल पेपर थोड़ी ना हो रहा है भाई यहाँ पे, 10th का पेपर थोड़ी ना है 6 7 मार्क्स। नीट और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो तो वहां ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे ना, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में नहीं आने वाला ये, 12th के बोर्ड में नहीं आएगा। 12th के बोर्ड में आपके 12th के चैप्टर्स आते हैं, महाराष्ट्र बोर्ड की अगर बात करें तो 12th के चैप्टर्स आते हैं, और ये 11th का टॉपिक है, तो बोर्ड से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ये प्रिपरेशन अपना, जो भी आप हैं नीट के जो स्टूडेंट है वो नीट के हिसाब से, जो इंजीनियरिंग के हैं वो इंजीनियरिंग के हिसाब से, मतलब आप ये वो बोर्ड वाला पैटर्न भूल जाओ कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 4 मार्क्स का होगा। अभी सीधा बस ये दिमाग में रखना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट करना है, बात खत्म। सर हाउ 27 डिग्रीज इक्वल टू 300 केल्विन? क्यों मुन्ना कल क्लास में प्रेजेंट नहीं था क्या पार्थ? सॉरी हाँ पार्थ ही है ना, आपका ही डाउट है क्या? कल क्लास में प्रेजेंट नहीं थे आप, कल बताया था ना डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन, क्या लिखवाया था, क्या लिखवाया था? जब केल्विन निकालना होता है तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273, चेक करो ये रिलेशन लिखवाया था केल्विन का सेल्सियस के साथ। तो केल्विन में निकालना है, टी केल्विन में और टी डिग्री सेल्सियस में, प्लस 273। तो डिग्री सेल्सियस में 27 दिया है, तो 27 प्लस 273 ये कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। ये रिलेशन कल की क्लास में लिखवाया है, एक बार नोटबुक देखिए। डिग्री सेल्सियस की जगह आप 27 रख देंगे और उसमें 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन में वो 300 आ जाएगा। नोट कर लिया अभी सबने? स्टार्ट करें जल्दी करो। चलो पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, पहले ध्यान से सब लोग सुनेंगे, एक बार अच्छे से समझ जाइए, फिर आप करिएगा आराम से बैठ के। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। पहले क्वेश्चन की लाइन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन की लाइन क्या बोल रही है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इज सेम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है ऑफ O2। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इक्वल है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन 9.6 ग्राम ऑफ O3। बोल रहा है कि O2 में जितने मॉलिक्यूल होने चाहिए, ये लाइन ध्यान से देखो, ये मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, O2 में जितने मॉलिक्यूल होने चाहिए उतने ही एटम होने चाहिए 9.6 ग्राम ऑफ O3 में। तो मुझे 9.6 ग्राम ऑफ O3 दिया, पहले मुझे इसके नंबर ऑफ एटम निकालने पड़ेंगे, फिर जितने नंबर ऑफ एटम यहां आएंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल O2 के आएंगे। तो अब देखो पहले मैं O3 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, फॉर O3 ओजोन, O3 के लिए अगर मास दे ही रखा है 9.6 ग्राम, फॉर O3 मास गिवन है 9.6 ग्राम। अब अगर मास दिया है तो मोल ट्रायंगल अगर मेरे दिमाग में आएगा तो मास का रिलेशन तुरंत क्लिक करेगा, क्योंकि मोल 3 चीज के साथ रिलेट करता है, नंबर ऑफ एंटिटीज, मास एंड वॉल्यूम, यही हमने पढ़ा है मोल ट्रायंगल में। तो अब मास अगर हमें पता है तो नंबर ऑफ मोल्स का पहले मास वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि मास पता है तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू फॉर्मूला हमने पढ़ा था, गिवन मास डिवाइडेड बाय जी एम। ये मैं बता रहा हूँ कैसे प्रोसीड करना है। कुछ लोग अभी बोलते हैं कि सर यही नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के कि करना कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से करें, तो कैसे स्टार्ट करना है वही आपको, आपको क्वेश्चन में मास दिया है तो तुरंत क्लिक करना चाहिए कि मास दिया है तो मास वाला फॉर्मूला पहले लगाते हैं और उससे कुछ कैलकुलेट करेंगे। तो आपको मास पता है, जीएमएम पता है O3 का, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 दिस विल बी इक्वल टू, गिवन मास है 9.6 ग्राम, जीएमएम, जीएमएम ऑफ O3 कितना हो जाएगा, 16 × 3 48, और यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3
ये कैंसिल आउट कर देगा इसको 0.2। एक-एक स्टेप ध्यान से समझो सब लोग, फिर आपको करने के लिए मिलेगा। अभी थोड़ा सा टाइम दे दोगे, पहले सुन लो ध्यान से, उसके बाद फिर आप उतना ही कम टाइम बचा सकते हैं, डीपीपी वगैरह जो भी है वो आप सॉल्व कर लेंगे इजिली। अभी ध्यान से नहीं सुनोगे फिर उधर फंसे रहोगे, टाइम लगाते हो। यूनिट यूनिट कहाँ आएगी, ये मोल्स है ना, मोल्स तो एक नंबर होता है, मोल्स की कोई यूनिट थोड़ी होती है। यूनिट आप यहाँ रखोगे, इसका भी ग्राम इसका भी ग्राम, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, तो यूनिट तो इसके कुछ आएगी नहीं, बिकॉज मोल्स इज जस्ट अ नंबर। अब मोल्स आ गए, अब इसके एटम निकालते हैं। अब देखिए आगे मैं लाइन लिख रहा हूं, वन मॉलिक्यूल ऑफ O3, वन मॉलिक्यूल ऑफ O3 कंटेन, एक मॉलिक्यूल O3 कितना कंटेन किया, तीन एटम ऑफ ऑक्सीजन, तीन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ O3 में तीन एटम है, तो वन मोल में कितने होंगे, वन मोल ऑफ O3, वन मोल ऑफ O3 विल कंटेन थ्री मोल एटम, थ्री मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो एक मोल में तीन एटम है, एक मॉलिक्यूल में तीन एटम है, तो एक मोल में तीन मोल एटम आ जाएंगे। अब एक मोल में इतने हैं तो 0.2 मोल में कितने आएंगे, तो 0.2 मोल ऑफ O3 कंटेन 0.3 का 0.2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.2 × 3 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब 0.2 मोल ऑफ O3, 0.2 मोल ऑफ O3 में कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे, 0.6 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास, यानी टोटल इतने मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन आ चुके हैं। ये नंबर ऑफ एटम्स है, ये नंबर ऑफ एटम्स है 0.6 मोल्स। अब ये इक्वेशन ए बना लो, दिस इज इक्वेशन ए, पहले इस इक्वेशन को ए डिफाइन करते थे, दिस इज इक्वेशन ए, और यहां तक नोट कर लो पहले जल्दी से। चलिए नोट कर लिया, तो हमारे पास 0.6 मोल एटम आए। देखो अब ऊपर की लाइन, इक्वेशन ए जो हमने बनाई है, इक्वेशन ए देखो, नंबर ऑफ एटम पूछा था, ये नंबर ऑफ एटम इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के इक्वल होने चाहिए, तो नंबर ऑफ एटम हमारे पास कितने आए हैं, 0.6 मोल्स एटम। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 भी कितना होगा, 0.6 मोल, क्योंकि वो दोनों इक्वल होगा फ्रॉम इक्वेशन ए। तो फ्रॉम इक्वेशन ए से मैं ये लाइन लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ टू, ओ टू ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के जो मोल्स होंगे वो भी 0.6 होंगे, क्योंकि वो नंबर ऑफ एटम के इक्वल थे जो कि O3 में था, O3 में नंबर ऑफ एटम्स आए थे 0.6 मोल्स, तो यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 भी आ जाएंगे 0.6। समझ में आया क्या, ये भी 0.6 होगा, ये लाइन सबको क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। अब ये नंबर ऑफ मोल्स आ चुका है, अब पहला देखिए, पहला आपको पूछा है क्या, फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय O2 एट STP, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय O2, O2 एट STP, STP पे O2 कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो STP पे वॉल्यूम जो निकालते हैं फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय O2 एट STP, एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स O2 के हमारे पास कितने आए हैं, 0.6, ऊपर की लाइन देखिए, तो 0.6 × 22.4 मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ O2 आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP, ये आंसर हो जाएगा, और ये लीटर में आएगा, तो ये आंसर इसकी तो यूनिट आएगी, बिकॉज दिस इज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP,
ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 22.4 इंटू 6 का 0.6 का, कैलकुलेट करिएगा, ये तो बाद की बात है। 22.4 इंटू 0.6 इतना लीटर, ये पहला आंसर आ गया। ठीक है, जो भी आ रहा है 13.44 या जो भी आ रहा है वो लिख लीजिए अपना। समझ में आया पहला आंसर? सीधा फॉर्मूला लगाना है एसटीपी पे, तो एसटीपी पे निकल जाएगा वॉल्यूम, क्योंकि एसटीपी पे तो हम फॉर्मूला यूज कर ही सकते हैं वॉल्यूम का। अब देखिए सेकेंड वन, सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट देखो क्या पूछा है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय O2 एट 4 atm एंड 27 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय O2 एट 4 atm एंड 27 डिग्री सेल्सियस। तो अभी देखो आप एसटीपी की कंडीशन नहीं है, ध्यान से सुनो। सेकेंड क्वेश्चन में यही मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रेशर इस बार 4 atm दिया है, एसटीपी की कंडीशन नहीं है। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन दिया है। तो इस बार वॉल्यूम निकालना है वी, तो अब हम लगा लेंगे पीवी इज इक्वल टू nRT और यहां से वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि गैस के लिए अब हम फॉर्मूला ये वाला नहीं लगा सकते, नंबर ऑफ मोल्स वाला। तो प्रेशर रखा जाएगा 4, वॉल्यूम निकालना ही है। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ चुके हैं O2 के स्टार्टिंग में, कितना लिखा है हमने 0.6, आर की वैल्यू 1/12 और टी 300। इसको कैंसिल आउट कर लो, 0.6 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, ये 0.1 बच जाएगा, 0.1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, तो 8V इज इक्वल टू 30। तो यहां से V कितना आ जाएगा, 30/8। देन 3.75 लीटर, चेक कर लो सब लोग कैलकुलेशंस। यहाँ पे वॉल्यूम 3.75 लीटर आ रहा है, 30/8। पॉइंट 75 लीटर, यहाँ हमने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा दिया है। आर की वैल्यू देखो 1/12 रखी है, 0.0821। अगर आप ये 1/12 की जगह 0.0821 रखेंगे तो कैलकुलेशन लेंथी होगी, इसलिए मैंने बोला आर की एक्चुअल वैल्यू ये होती है 0.0821, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल टू 1/12 के भी इक्वल यही आता है, तो उसको आप 1/12 रखिए, उससे आपकी कैलकुलेशंस इजी होंगी, इसलिए हम उसको 1/12 रखते हैं। हाँ 300 ही रखा है, लेकिन यहाँ 0.6 है ना, तो पॉइंट का मल्टीप्लाई भी हो गया ना, इधर 0.6 था ये, 0.6 नंबर ऑफ मोल्स, पॉइंट इधर मल्टीप्लाई कर दिया 0.1, तो वो 30 बच जाएगा, और इधर इसको 2 कट किया था, 4, 2 × 4 8 हो गया। तो ये वॉल्यूम आ गया सेकेंड केस में, क्लियर? चलिए ये दो को आंसर आ गए, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय O2 एट STP एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय O2 एट 4 atm। किसी को डाउट है तो बोलो। लास्ट स्लाइड में क्या रह गया तनिष्क? चल ये जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए। चलिए नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन क्या था? मोल्स ऑफ O2 एट STP, सॉरी मास ऑफ O2, मास ऑफ O2 एट STP, थर्ड क्वेश्चन ये था। तो पहले दो क्वेश्चन तो सर, व्हाई डिड वी रिलेट मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स टू मोल, क्यों रिलेट किया है, मतलब क्या पूछना क्या जाता है भाई?
अभी ये क्या हो गया इसको, 1 मिनट रुको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके चलिए देखिए अभी वॉइस आ रही है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पोर्शन करो थर्ड। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था, मास। मास कैलकुलेट करिए, सब लोग मास तो कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ O2 एट STP, मास ऑफ O2 एट STP, STP पे कितना मास होगा। थर्ड मास ऑफ STP जब हम निकालेंगे तो एसटीपी पे नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले थे ना एसटीपी पे, तो एसटीपी पे मास निकालिए। एसटीपी पे मास आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला रख के निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन जीएमएम, मास अपॉन जीएमएम। मास निकाल लीजिए, जीएमएम आपको पता ही है, मोल्स पे आपको पता ही है। और दूसरी कंडीशन में, हाँ स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा है भाई, मैं भी देख रहा हूँ इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, अभी आपको बोल ही रहा हूँ करने के लिए, स्क्रीन चेंज ही नहीं हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है इन पार्ट्स का।
करिए सब लोग, तब तक करिए मास कैलकुलेट करिए फॉर्मूला लगा के, भी चेंज होगा आई थिंक। नाइनटी टू ग्राम आ रहा है आंसर, साक्षी का, ऋषिकेश और किसका आया है 28.8।